यूक्रेन के समय के मुताबिक शाम के 6 बजे का वक्त हो गया है। ये वक्त महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय एम्बेसी ने अपने छात्रों को खरकीव छोड़ने के लिए यही वक्त दिया था। दावा यह किया गया कि रूस की तरफ से इनपुट मिला है और उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। शाम 5 बजे बड़ी खबर आई थी, हमने आपको वो आप तक पहुँचाई थी, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन गंगा की बात करना ज़रूरी है। ऑपरेशन गंगा, सरकार ने आज दावा किया कि अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें वो भारतीय भी शामिल हैं जो इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड नहीं थे। लगातार भारत की रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट्स भारत में लैंड हो गई हैं। अब तक भारत में कुल 15 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, जिनमें 3,352 भारतीय सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। अगले 24 घंटे में 15 और फ्लाइट्स आने वाली हैं। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट भी देर रात बुकारेस्ट से दिल्ली आ रहा है। कुल मिलाकर भारत ने ऑपरेशन गंगा में पूरी ताकत झोंकी हुई है। 4-4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में इस ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जबरदस्त युद्ध के बीच भारत अपने सैकड़ों छात्रों को निकालने में कामयाब हो रहा है। एक एक छात्र सुरक्षित अपने देश पहुंचे, इसके लिए सरकार ने 4-4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा में, किरण रिजिजू स्लोवाकिया में, हरदीप सिंह पुरी हंगरी में और वीके सिंह पोलैंड में मौजूद है। इन मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल ही रोमानिया पहुंच गए थे। यहाँ शेल्टर होम में वो भारतीय छात्रों से मिले। आपके आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ से आई? फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक लड़की से मराठी में बात की। और वहाँ मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द स्वदेश लौटने का आश्वासन दिया। आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूं दिल्ली से। आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1,000 बच्चों को हम लोग कल, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा है। 4 मंत्रियों को 4 दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करना, कोई भी जरूरत पड़ेगी हाँ तो मुझे जरूर बताना। इतनी छोटी सी उम्र में जिन छात्रों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट देखा हो, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौटे हो, उनकी मानसिक हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में ये शब्द हिम्मत देते हैं। आज भी रोमानिया के हेनरी क्वांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से बात की। मैं अश्योर करूंगा कि तुम जाओगे, या तो आज शाम तक, आज रात तक या कल सुबह। मैं नहीं हटने वाला हूँ यहाँ से जब तक मैं तुम जैसे मेरे हरीफ भाई को नहीं मिलूं, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करना, अपने सभी दोस्तों को कहना, तो आखिरी व्यक्ति नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे, सब लोग रवाना होंगे। ये वीडियो भी बुकारेस्ट का है। ये भारतीय छात्रा सृष्टि है, जिसके पैर में लिगमेंट इंजरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब ये पता लगा तो उन्होंने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे पहली सीट पर बिठाया और बगल में बैठी दूसरी लड़की को उसका ध्यान रखने के लिए कहा। जनरल वी के सिंह भी पोलैंड में है। उन्होंने कल 2 फ्लाइट्स में 437 भारतीयों को रवाना किया। जब ये पता हो कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार साथ खड़ी है तो जोश आ ही जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट
and let's hope everything quietens down and you can continue your studies. All the best. Take care. आज जनरल वी के सिंह ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एक कार में सवार होकर पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक भी थी। वहां जनरल वी के सिंह ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की और उनसे बात भी की। इसी तरह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हंगरी भेजा गया है, उन्होंने भी वहाँ अपना काम शुरू कर दिया है। हरदीप पुरी यूक्रेन से हंगरी पहुंचे भारतीय छात्रों से मिले। I spent 39 years in the foreign service along with my colleague. Yes, sir. No other country in the world does this. Do you know that? Yes, sir. Today, no matter where somebody is, the Prime Minister is committed to take each one of you. And Mr. Jaishankar is personally monitoring it. So, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हरदीप पुरी लगातार भारतीय छात्रों से मिल रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। अब तो इतने खुश हैं कि आपसे मिल रहे हैं। व्हेन आई नो जो आपका एक्सपीरियंस हुआ सुबह हुआ वो तो टेंशन इज वेरी माइल्ड हुआ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।